तो उम्मीद जाति के हैं। यहाँ तो ज्यादातर लोग सदगुरु रविदास जी महाराज के कुल के बैठे हुए हैं, जो खुद कहते थे खलास हमारा, ऐसा चाहू राज में जो मिले सबन नुमन, और छोट बड़े सब सब रहे रविदास रहे पर्सन। और समझो 600 साल पहले जब शास्त्रार्थ में हरा दिया सारे ब्राह्मणों को, तो पालकी में बिठा के सदगुरु जी की जो है पूरे बनारस की परिक्रमा की थी। आज हमें बता रहे हो कि आप हम नीच जाति के आदमी, जाति से नीच नहीं होता भाई, कर्म से नीच होता है, कर्म से हमारे कर्म से नीच होता है। और आप कर्म से नीच नहीं हो, परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हो। आप ये देश की उच्च जाति के लोग हो, बहुजन समाज के लोग हो, मूल निवासी लोग हो। कल मैं वहां था, परसों बाबू जगजीवन राम साहब की जयंती मना रहे थे, तो आप इधर देखो, इधर तो कह रहे थे कि जी मंगल पांडे जो है वो 1857 क्रांति का वो है नायक, मेरठ से क्रांति चली। देखो झूठ इतिहास, मेरठ से क्रांति चली और मेरठ से मंगल पांडे का कोई लेना देना नहीं। वहां दो नायक थे, एक धन सिंह कोतवाल गुजर और एक माता दीन वाल्मीकि। उन दोनों शख्सियतों ने आंदोलन चलाया और इतिहासकार ने क्या लिखा कि 1857 के क्रांति के नायक मंगल पांडे थे। तो नायक तो होते हैं बहुजन, नायिका भी होती है बहुजन। यहां अभी कुछ दिन पहले झांसी की रानी की बात हो रही थी, झलकारी बाई की बात नहीं होती है यहाँ। तो अपना इतिहास अगर जानना चाहते हो तो अपने महापुरुषों का लिटरेचर पढ़ो। और नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जिनको पैसा कमाने के लिए, बंगला बनाने के लिए, कोठी महल बनाने के लिए, व्यापार खड़ा करने के लिए राजनीति करनी हो, वो तो आजाद समाज पार्टी से आज इस्तीफा देंगे, अपना 2 नंबर का काम आप ढूंढ लो। और जिनको मूवमेंट चलानी हो, जिनको गरीबों की सेवा करनी हो, जिनको महापुरुषों का आंदोलन चलाना हो, जिनको अपने महापुरुषों को मान दिलाना हो, वो लोग जो है इस आंदोलन में हिस्सेदारी करे और बढ़ चढ़ के हिस्सा करे। आने वाला कल आप लोगों का ये बात आप याद रखना, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे बुआ जी कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। और जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते वो कभी सत्ता पे काबू नहीं हो सकते हैं, ना तो इनके मुकदमों से डरते ना। मैं तो कार्यकर्ता बड़ा सा भी हूँ, धीमान का कोई कार्यकर्ता इनके मुकदमों से नहीं डरता, ना इनकी लाठियों से डरते, ना गोली से डरते, ना जेल से डरते। मैं तो आप चुप था, ये मीडिया के साथ भी खड़े हैं। मैंने कहा जो लोग हर बार चुनाव हार जाते हैं और ये कहते हैं पता क्या कि जी ईवीएम से हरा दिया, जो चुनाव हार जाते हैं और फिर चुनाव आता फिर लड़ने आ जाते हैं, फिर हार जाते हैं कहते ईवीएम से हरा दिया। तो भाई जब तुम ईवीएम से हार जाते हो तो ईवीएम के रहते चुनाव भी लड़ते हो। तो मैं तो बाबा साहब का असर खून हूँ, इस दुनिया देश को लगी गंभीर बीमारियों का इलाज बाबा साहब ने एक चुटकी से कर दिया था। ये जो ईवीएम नाम की बीमारी है ना, इसकी नसबंदी भीम आर्मी के लोग करेंगे, आप चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। मैं तो ये देख रहा था जो लोग आपके वोट लेते हैं, जो आपके वोट लेते हैं और ये कहते हैं कि हम मूवमेंट चला रहे हैं, काशीराम जी का सपना पूरा कर रहे हैं, मैं तो उनको देख रहा था, मैं चुप था कि भाई देख लो कुछ करेंगे नहीं करेंगे। अब उनको तो कुछ करना नहीं है, अब पंचायत चुनाव के बाद साइकिल यात्रा में निकलूंगा और गांव गांव तैयार करूंगा और एक दिन 2 प्रांत से बड़ा आंदोलन करके वहां दिल्ली के गद्दी बैठे ताना साहब को बताऊंगा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, याद रखना। ये जनता बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है, और हम तो वो असल खून है कि इस राज सत्ता को जब तक खींचेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं। और हर व्यक्ति में, बहुजन समाज के अंतिम व्यक्ति में भी, जो रिक्शा चलाता हो, जो मजदूरी करता हो, जो बैलगाड़ी चलाता हो, जो जूता गाड़ता हो, जो खेत में काम करता हो, जो जमींदार के हाथ नौकरी करता हो, उस अंतिम व्यक्ति में भी राज छीनने का जो है वो जोर जरूर सपना क्षेत्र भर के जाएंगे कि राज रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी ये सोचे कि हमें राज कैसे छीनना है। ये मूवमेंट हम लोग तैयार करके जाएंगे, लेकिन मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, फैसला आपको करना है। कब तक धोखा दोगे? 60 साल के बाद रिटायरमेंट होने वालों को तो घर वाले भी कहते हैं कि आप बोझ बन गए हो। क्यों नहीं जो लोग रिटायर हो गए आशीर्वाद देके मूवमेंट को चलवाने मदद करते? ये मूवमेंट जो होगा बाबा साहब डरकर आप सोच के बैठ जाते कि कोई और करेगा तो क्या ये अधिकार मिलते? ये जो सीनियर लोग हैं क्यों नहीं निकलते हमारे साथ घर से बाहर, इन बच्चों का आशीर्वाद देने से क्यों नहीं आते? और आओ आशीर्वाद और देखो आपका अनुभव और नौजवानों का जोश। वो तो बुलेट ट्रेन की बात झूठ करते, क्योंकि वो तो झूठे लोग हैं, उनका तो झंडा ही झूठा है।
लेकिन बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेज चलाएंगे। और अभी इसने राजन ने कहा और राजन जी और अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि भाई 12 साल में माननीय काशीराम साहब ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि उनसे आधे समय में उनका बेटा होने के नाते उस मिशन को चलाने के नाते राष्ट्रीय पार्टी बना के दिखाऊंगा आप याद रखना। लेकिन आपके सहयोग के बिना नहीं बनेगी। मेरे जाने के बाद 100 लोग आएंगे और पता नहीं क्या क्या बताएंगे, मैं जैसा हूं आपका हूं। वो नारा तो झूठ था कि चमारी हूं कुमारी हूं तुम्हारी हूं, ये नारा सच्चा है कि आपका हूं और आपका रहूंगा अंतिम सांस तक रहूंगा जो उनका आखिरी कतरे तक। उसमें सच्चाई होती तो तुम्हारे भाग्य बदल गए होते। जिन लोगों ने काम किया ना वो यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे जो लोग कहते हैं तो नौजवान लोग हैं, जो लोग काशीराम साहब के साथ काम करते हैं पूरी मात्रा में हाथ खड़ा करके दिखाओ एक बार। जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, जो सीनियर लोग हैं जरा हाथ खड़ा कर लो एक बार, देखना भाई ये कोई बेवकूफ तो नहीं है, ये तो उम्र दराज लोग हैं, देखना जरा इनको तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। समझ रहे हो? जैसा किसान कहते हैं, किसानों कहते हैं कि इनको क्या पता, ये तो बिल इनके हित में है। ऐसे वो लोग कहते हैं भिन्न आर्मी के लोग क्या पता। अरे भिन्न आर्मी के लोग तो वो पता जो आपके पेट में, सब पता है भिन्न आर्मी के लोग। भिन्न आर्मी के लोग तो मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इनको बदनाम तो किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। तो ये गारंटी तो मैं आपको देता हूँ। और एक स्पीच पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने लखनऊ में पढ़ी थी, ये है 18 दिसंबर 1985 की स्पीच है काशीराम साहब की। और स्पीच नहीं, वो कहा चेतावनी भी है और अपील भी है, और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ। और मैंने लखनऊ में सुनाई थी, जिला जी के याद होगी, काशीराम साहब ने कहा देखो भाई जो लोग मैंने तैयार कर दिए टेरराइज कर करके मिशन मूवमेंट के लोग, जिनको मैंने समझा दिया कि सत्ता छीन दी है, एक तो वो लोग और जो लोग अब नए लगे हैं उनको भी तैयार करना है। अगर आप 100% गारंटी देते हो कि भाई हम सहयोग करेंगे, सारे आपसी मनमुटाव छोड़ के मूवमेंट चलाएंगे, अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि बहुजन राज है, दिल्ली के तख्त पे भी नीला झंडा फहरा जाए, वो तो सफल हो जाए। अगर आप साथ नहीं देते तो ये माननीय काशीराम साहब ने कहा कि 18 दिसंबर 1985 को मैं मूवमेंट छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि निराश हो गए थे। लेकिन मैं आपको कहता हूं ना छोड़ूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप याद रखना कि एक कहानी है, इस कहानी के बाद खत्म करूंगा कि एक बार एक जंगल जल रहा था, उस जंगल में दो लोग थे, एक चिड़िया एक हाथी। तो वो चिड़िया जाती चोंच में पानी लेके आती और जंगल की आग बुझाने का प्रयास करती। वो मेरे जैसी चिड़िया, ग्वालियर जैसी, विनोदन जैसी, राजन जैसी, मेहदान जैसी, अमोह जैसी चिड़िया, ये तमाम चिड़िया। और एक हाथी बैठा, हाथी हंस रहा था, जैसे आज हमारे लोग हंस रहे हैं, भाई ये भी मूवमेंट चलाएंगे। जब हमने शुरू किया था ना तभी हमें लोग ऐसे कहते थे ये रविंदर बैठा हुआ, तभी हमें लोग कहते ये परिवर्तन करेंगे, कल के लड़के ये घूम रहे मोटरसाइकिल परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन तो हमने नहीं किया है, क्या किया है तो आपके सामने। तो हाथी बैठा हंस रहा था, ये कह रहा था कि चिड़िया चल जाएगी, मर जाएगी, ये आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने से कहा मैं आज आपसे कह रहा हूं इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास में सवाल होगा कि जब इस जंगल में आग लग रही थी, घर में आग लग रही थी, बहुजन मूवमेंट टूट रहा था, कमजोर हो रहा था, तो कौन इसको बचा रहा था और कौन जो है तमाशा देख रहा था बैठती, ये इतिहास लिखा जाएगा। और चिड़िया ने कहा कि मेरा नाम होगा इतिहास में शहीदों में कि मैंने लड़ाई लड़ी, और तेरा नाम होगा गद्दारों में। फैसला आपका है, गद्दार बन के रहना या इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में सहयोग करना। जहां भी हो, प्रत्येक शहर प्रत्येक रूम पे जहां बैठो वहां ये कह दो बस कि भाई वो हमारा खून है, ईमानदार खून है, मूवमेंट चला रहा है, उसकी मदद कर दो। और देखो ये जो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं ना, जो कहते हैं इसे कुचल देंगे, गरीब का बेटा है, उनको जवाब देना भारी हो जाएगा, जनता है ये बनाती है तो बिगाड़ भी देती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद तथागत बुद्ध के अनुकंपा, सतगुरु रविदास जी महाराज के अनुकंपा, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर जी के अनुकंपा, आप सतगुरु में बने रहे, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, आपके पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं, खूब शक्ति करें। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संविधान, जय विज्ञान। और बाबूजी को जो है कोटि कोटि आभार धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया, उन्होंने मुझसे कहा भाई आना है तो मैंने कहा जरूर आऊंगा। अभी नौजवानों इधर इधर,
इधर आओ चारों वहां पर दिनेश।